राजनगरी की प्रसिद्ध बैडमिंटन लीग एब्रोस आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण के लिए रविवार को आगरा क्लब में नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई। 11 मार्च 2022 से शुरू हो रहे एबीपीएल 9 के लिए प्रदेश भर के लिए खिलाड़ियों को लीग की परंपरागत 5 टीमों ने अच्छे दामों में खरीदा। बुलंदशहर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितेंद्र सिंह को सैक वॉरियर्स ने 53,000 में खरीदा। वहीं अफसर स्मैशर ने मुरादाबाद की सिमरन को 31,000 में अपनी टीम के नाम किया। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस बार लीग में अपना जलवा दिखाएंगे। ताज नगरी की प्रसिद्ध बैडमिंटन लीग एम्ब्रोस आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण के लिए रविवार को आगरा क्लब में नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई। 11 मार्च 2022 से शुरू हो रहे एबीपीएल 9 के लिए प्रदेश भर के खिलाड़ियों को लीग की परंपरागत 5 टीमों ने अच्छे दामों में खरीदा। हाँ, ये एम्ब्रोस आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग का 9वां सीजन है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मेरे ख्याल में देश की एकमात्र ऐसी लीग है जो लगातार 9 वर्षों से आयोजित हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी ये आंध्र प्रदेश से लेके लगभग इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स से बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं और बहुत ही उच्च स्तर का खेल इस बार हमारे शहर में देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि शहर के छोटे छोटे बच्चे जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ उन्होंने मुकाम प्राप्त किया है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। बुलंदशहर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितेंद्र सिंह को सैक वॉरियर्स ने 53,000 में खरीदा। वहीं अफसर स्मैशर ने मुरादाबाद की सिमरन को 31,000 में अपनी टीम के नाम किया। आगरा क्लब में शाम 5 बजे प्रारंभ हुई नीलामी में अफसर स्मैशर सैक वॉरियर्स, बिल्स बर्ड चैलेंजर्स, GBR टाइगर व टीसा के टीम मैनेजमेंट ने मशक्कत शुरू की। वैसे मेरा नाम संजय कालरा है, मैं डायरेक्टर हूँ द इंटरनेशनल स्कूल आगरा का और हमारी टीम यहाँ पे आती है जिसका नाम है टीम टीसा और ये 9th संस्करण है हमारे ABPL का। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग एंड बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ आगरा। जी, इसमें देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आगरा से और आगरा के बाहर से हैं, तो जो हमारे आगरा के प्लेयर्स हैं उन्हें बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है और वो लोग एक आप समझिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। आपने जैसे अभी ऑक्शन में सुना होगा, जैसे रविंद्र सिंह जी हैं वो नेशनल प्लेयर हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं नेशनल प्लेयर हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेन में खेल के आए हैं, तो उस लेवल का जो गेम होता है उससे हमारे जो आगरा के उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत सीखने को मिलता है। नीलामी कर्ता आशीष द्वारा एक एक कर खिलाड़ी की पर्ची निकाली गई। 5 टीम ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ने के लिए भरपूर दम लगाई और पैसों की बरसात की। इस वर्ष विशेष तौर से उन खिलाड़ियों पर टीमों की नजर थी जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इनमें मुख्य रूप से जितेंद्र सिंह, हिमांशु तिवारी, DP थाना, रविंद्र सिंह, आगरा के आयुष अग्रवाल, दक्ष गौतम, आदित्य गौड़, अमन सक्सेना, कैप्टन भैया, चिराग यादव और महिलाओं में सिमरन और राधा ठाकुर थे। हर टीम के साथ टीम ओनर को एक मेंटर जो खुद अच्छा खिलाड़ी रहा पहले से ही दे दिया गया था जिससे कि नीलामी में उनकी मदद कर सके। इस वर्ष आयोजकों ने खेल के प्रारूप में कुछ परिवर्तन किया है और सिंगल्स को हटाकर एक और डबल्स को जोड़ दिया गया है और लगातार 11 से 16 मार्च ये टीम लीग चैंपियनशिप आयोजित होगी। 5 इसमें टीमें हैं और इसमें जो इवेंट्स हैं वो है मिक्स डबल्स, 2 ओपन डबल्स, 1 60+ डबल्स और 1 70+ डबल्स। और इस पूरे आयोजन के पीछे उद्देश्य यही है कि जो उदयीमान खिलाड़ी हैं, छोटे खिलाड़ी हैं, वो अपने से बड़े लोगों के साथ रहें और उनका खेल सीखें, उनके गुण सीखें और डेफिनेटली इससे आगरा को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आयोजन समिति के चेयरमैन महेश नौटियाल ने बताया कि आगरा डबल्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है और यहाँ के बच्चों ने डबल्स में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पष्ट प्रारूप चेंज करने का एक यह भी बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अतिरिक्त प्रयास यह भी है कि दर्शकों के लिए इस लीग को और रोमांचक बनाया जाए। नए प्रारूप के अनुसार एक मिक्स डबल्स, 2 ओपन डबल्स, 1 60+, 10 वह दूसरा और आखिरी 70+ डबल खेला जाएगा। सभी टीम मैनेजमेंट को यह पहले से बता दिया गया था कि जिससे वह अपने टीम को संयोजन और खिलाड़ियों का चयन इस प्रारूप को ध्यान में रखकर करें। नीलामी की प्रक्रिया का संचालन आशीष जस्टोरिया ने बहुत ही निष्पक्ष और दिलचस्प तरीके से किया और उनका सहयोग सुमित कपूर, राहुल गोगिया और संतोष तिवारी ने किया। 4 घंटे चली नीलामी ने सभी को रोमांचित कर दिया। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो टीमों का संयोजन बना वो इस प्रकार रहा। टीम टीसा ने
नंदी रावत, आदित्य व्यास, रविंद्र सिंह, रमा, हिमांशु, मोक्ष, सार्थक पावा, राहुल गर्ग, सुमित चाहर और पवन मंगल को अपनी टीम में शामिल किया। वहीं सैक वॉरियर्स ने विवेक कुमार, जितेंद्र सिंह, निखिल, अब्दुल रमन, आशीष जसरोतिया, अनुज कपूर, प्रणय, राधा ठाकुर, दक्ष गौतम और सुजाता को अपनी टीम में लिया। अफसर स्मैशर्स ने राहुल परिवार, चिराग यादव, मनीष गुदवानी, सिमरन आदित्य गौर, डीबी थापा, यश मेहता, राहुल गोगिया और सुमित कपूर को अपनी टीम में शामिल किया। जीवीआर टाइगर्स ने विनोद सीतरानी, अमित उपाध्याय, संतोष तिवारी, अमन सक्सेना, राजीव यादव, आयुष अग्रवाल, दिव्यांशी गौतम, विकास आनंद, मयंक जैन, आदित्य परिहार और मानवदीता चौहान पर दाव लगाया। और पांचवी टीम विल्सबर्ग चैलेंजर्स ने राहुल देशवाल, शिवांग, निष्कर्ष चौहान, निशांत यादव, राघवेंद्र प्रताप, नीरज जैन, कैप्टन भैया, नव्या, पराक्रम, प्रगति, सौरभ पर बोली लगाई। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित एम्ब्रॉन्स आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण के लिए आयोजन समिति का भी गठन किया गया, जिसके संरक्षक महेश नौटियाल, सचिव जितेंद्र सिंह व संयोजक नंदी रावत को बनाया गया। नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले आगरा बैडमिंटन संघ ने एक बैठक का आयोजन किया और सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सर एम्ब्रॉन्स, पावर्ड बाय स्पॉन्सर अर्पित कंस्ट्रक्शन सहित पांचों टीमों के नए लोगों का अनावरण किया गया। आगरा लीग के लिए मैं अपनी टीम सैक वॉरियर्स से हूं और पहली बार मैंने लिया है। अब तक कोई मैं स्पोर्ट में नहीं खिलाड़ी था, नहीं जानता था स्पोर्ट के बारे में, लेकिन पहली बार मैंने ज्वाइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गुड फील हो रहा है, यहाँ के लोगों का सहयोग सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभय कुमार गुप्ता, मैं ब्रोशू से, और ये जो मैच हो रहे हैं इसके लिए स्पॉन्सरशिप दी गई है और ये बहुत अच्छा है। अच्छे नए इस पर नया प्लेटफॉर्म है जिससे प्लेयर्स को नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलती है, खेलने का मौका मिलता है। हम मैं चाहूँगा सारे प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो परचेज हुए हैं, उन सबका भविष्य उज्जवल हो और जीते और आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेंगे। और इसके बाद आयोजन समिति के संरक्षक महेश नौटियाल, समिति के अध्यक्ष अमरोज कंपनी के अभय गुप्ता, उपाध्यक्ष अर्पित कंस्ट्रक्शंस के अभिषेक चौहान, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विनोद सीतरानी, सचिव राहुल पालीवाल, कोषाध्यक्ष आसिफ अली व सभी टीम ऑनर्स के द्वारा 9वें संस्करण की चमचमाती विजेता ट्रॉफी का विधिवत अनावरण किया गया। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विनोद सीतरानी व कोषाध्यक्ष आसिफ अली ने बताया कि इस वर्ष 1,00,000 पुरस्कार राशि होगी व प्रत्येक मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 1,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। 11 मार्च को प्रारंभ हो रही लीग का फाइनल मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा, पर उससे पहले तीसरे व चौथे स्थान के लिए भी इस वर्ष मुकाबला होगा और इसका हमने रखा है, लोगों रखा है, दिल से जान लगा देंगे और ये लीग बहुत अच्छी होनी है और इसमें प्लेयर जो आ रहे हैं बाहर से, बहुत प्लेयर आ रहे हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल सब खेलते हैं, वेटरन भी खेलते हैं और मेरा सबसे आग्रह है सभी स्टेडियम में 11 से लेकर 16 मार्च तक आएं। आयोजन समिति के संरक्षक महेश नौटियाल, आयोजन सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रयास है कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन लीग में शुमार हो और इसके लिए मून टीवी सहित यूट्यूब और फेसबुक पर इस पूरी लीग का सीधा प्रसारण पूरे देश में दर्शकों को देखने को मिल सकेगा। दर्शकों के लिए भी प्रत्येक मैच में लकी ड्रॉ के माध्यम से विशेष पुरस्कार व जलपान की व्यवस्था रहेगी। अम्ब्रोज आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण के लिए एकलव्य स्टेडियम बैडमिंटन हॉल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और प्रत्येक दिन लाइट एंड साउंड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों व खिलाड़ियों के मनोरंजन की व्यवस्था रहेगी। इस अवसर पर आसिफ अली, संजय कालरा, एचएस तरकर, विल्स वर्ड, मयंक शर्मा, अजय सारस्वत, परविंदर, दीपक माहेश्वरी, सुरेंद्र राठौर, डॉक्टर गुलशन, सत्येंद्र त्यागी, राजीव दीक्षित, पवन मंगल, राजीव यादव, उपेंद्र जोशी सहित बैडमिंटन संघ के सदस्य परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।